सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी बजे हैं 10:30 और अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैंने खाना बना लिया है। तो अनन्या चली गई है स्कूल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अनन्या को कर रही हूँ स्कूल के लिए तैयार। हाँ तो अनन्या अभी स्कूल के लिए होगी रेडी। तो चलो तो अभी अनन्या को इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना क्योंकि ठंडियों का टाइम है। वैसे तो अभी एक दो कपड़े कम कर दिए क्योंकि मौसम सही हो गया ना यहाँ पे। तो अभी एक दो कपड़े कम कर दिए। अभी दो कपड़े बना ले गर्मी तो अभी अनन्या छोटी है ये अभी गर्मियों मतलब ठंडियों के कपड़े अपने आप ठंडियों के कपड़े खुद नहीं पहन पाती ना। बहुत सारे कपड़े होते हैं तो खुद नहीं पहन पाती है तो उसको ठंडा इतना ठंडा तो हो नहीं रहा। और अभी वैन आने वाली है क्योंकि ये उठी नहीं उस समय से। मम्मी तो इसके ऊपर पहनेगी अनन्या हाफ स्वेटर। ठंडा और इतना ठंडा हो रहा है इसको इसको दो दो सॉक्स पहनने होते हैं। सही कर पैर उठा जरा। तो अनन्या ने पहन लिए सॉक्स भी दो जोड़ी और पहनेगी अनन्या पैंट। तो ये है अनन्या की टाई। पहले पहनाना भूल गई ना टाई। क्या बोला? ये अनन्या की टाई। तो ये है अनन्या का कोट और अब अनन्या पहनेगी अपना कोट। तो वैन आने वाली है ना तो पहले कपड़े पहनाती। ये है अनन्या का आई कार्ड। और ये है अनन्या का हैंकी। तो अनन्या का हैंकी रख गया कोट तो ऐसे अभी इतने सारे कपड़े पहनेंगे। तो चलो अब नीचे बैठो अनन्या के बनाते हैं बाल। तो अनन्या के बाल बनाती हूँ मैं। तो इसके बाल उलझ जाते हैं ना ये इतना रो जाती है बेचारी ना। ये बाल काटने देती है इसको लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। क्या करूं ये गाइस अगर मैंने बाल कटवा दिए तो कोई और मेरे कान वाले तो छीटे नहीं है कुछ सब मुझे लड़के ही समझेंगे। हाँ तो आजकल इसको कान छेदने का भी सुर चढ़ा है तो अभी अब छेती उसके कान। अभी थोड़े कपड़े कम हो जाएंगे ना इसके बहुत सारे कपड़े पहने फिर उतारने पहनाने में परेशानी होती है। तो मैं नन्हे के बाल बना रही हूँ क्योंकि वैन आने वाली है ना। मैं देखो क्योंकि 8 बजे नन्हे की वैन आ जाती है। देखो तो
अरे निकलेगा वो तो। अनन्या की चुटिया भी बन गई है, तो अनन्या की चुटिया बन गई है और अब अनन्या को टोपी बनाते हैं। और अब एक चीज रह गया अनन्या के सूज, ये और एक चीज रह गया है कि नहीं रख गया पॉकेट में मैडम। तो ये है अनन्या के सूज और अब पहना दिया अनन्या को सूज। तो अभी अनन्या हो गई है रेडी। अनन्या इधर में हाथ दे। तो मैंने अनन्या का लंच रख दिया है क्योंकि अनन्या को उठाने से पहले मैं उसका लंच रेडी करके उसके बैग में पैक कर देती हूँ, फिर उठाती हूँ अनन्या को। तो फिर अब अनन्या हो गई है रेडी, तो अब वैन आने वाली है, तो हम चलते हैं बाहर। तो ये है अनन्या का बैग। अनन्या बैग रन कर लो, बैग रन करो। तो अनन्या चली स्कूल के लिए। ये तो अनन्या को मैं वैन तक छोड़ के आती हूँ क्योंकि वैन आने ही वाली है। टाइम कितना हो गया, 8:03 हो गए, तो वैन आती होगी। तो ये अनन्या चली गई और अपने पापा से चीज़ मांगी है। अब उसके पापा देंगे उसको चीज़ी। तो सीरो भी आ गया करके अनन्या स्कूल जाने लग गई। तो देखो जरा अभी डुग्गू आएगा, डुग्गू पे भी ऐसे ही जाएगा ये। तो आ गई है वैन। तो अब मैं नन्हे को छोड़ के आती हूँ। अनन्या स्कूल चली गई है और हम मैं और अंजना उनको छोड़ के अंदर आते हैं। तो मैंने अनन्या को स्कूल भेज दिया है और अब मैं घर के और काम करती हूँ। पानी भी आ गया, पानी भरती हूँ। तो अब मिलती हूँ मैं आपको घर के काम करने के बाद। तो मिलते हैं। तो मैं अभी बैठी हूँ दुकान पे और अनन्या चली गई है स्कूल। तो अभी हमने खाना खा लिया है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बथुआ है, मैं बथुआ बिन लेती हूँ दुकान में बैठे बैठे। तो ये बथुआ है, मैंने थोड़ा सा बिन लिया है इसकी डंडियाँ, और ये मैंने थोड़ा बिन लिया, थोड़ा और है, फिर उसके बाद अनन्या आ जाती है, फिर अनन्या को लेने जाऊँगी। अभी बज गए हैं 1:15 और अनन्या डुग्गू आने वाले हैं। तो रंजना भी यहाँ पे आ गई है। तो स्कूल से आ रखा जैसे कितना जो थक रखा होगा, डुग्गू तो पिटाई खा के आ रहा है बोला शायद, और अनन्या निशान अनन्या के गाल में पड़े हैं। इन दोनों के काम देखो, स्कूल वैन से उतर के ये उस बिल्ली पे। अनन्या देख उसको खाने के लिए आ रहा है, देख ऐसे तो उसका गेट खुला है। मेरी बिल्लू अरे धूप सेकने तो क्यों परेशान कर रहे हो? तो अभी बज गए हैं 5:30 और मैं अपना ब्लॉग अभी समाप्त कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी आँखों में भी दर्द हो रहा है, तो मैं अब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अब मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।